हाय, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ आयुषी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाने वाले सुपरस्टार प्रभास जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। खबर है कि फिल्म स्टार की शादी को लेकर परिवार में हलचल तेज है और जल्द ही उनके शादी से जुड़ी और जानकारियां सामने आ सकती हैं। मिली खबर के मुताबिक इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रभास की चाची ने पक्की मुहर लगाई है। UT69 का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया गया। UT69 राज कुंद्रा और उनके जेल में बिताए गए समय की कहानी है। बता दें, ट्रेलर लॉन्च पर आखिरकार राज कुंद्रा ने मास्क उतार ही दिया और मीडिया को अपना चेहरा दिखाया। राज कुंद्रा रो भी पड़े। मुकदमे के दौरान जिस तरह से उनके परिवार को परेशान किया गया उससे वे विशेष रूप से भावुक हो गए। बॉलीवुड फिल्म स्टार करीना कपूर अक्सर अपने लुक्स और फैशनेबल ड्रेसेस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस मुंबई में एक ग्रीन कलर की ड्रेस में स्पॉट हुई है, जहां करीना को देख लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है। करीना की इन तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट्स करते नजर आए। उन्होंने तोते रंग की ड्रेस पहनी थी जो कि काफी लूज भी थी। करीना इस दौरान बेहद कूल और स्टाइलिश नजर आई। बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का अच्छा खासा बज है। इस मूवी में सलमान के साथ कटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी लीड रोल में हैं। वहीं एक खास रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि टाइगर 3 में बादशाह भी म्यूजिक का तड़का लगाने वाले हैं। टाइगर 3 से बादशाह का ये गाना मूवी रिलीज से कुछ दिन पहले आउट होगा। बता दें कि बादशाह इससे पहले भी सलमान के साथ सुल्तान में काम कर चुके हैं। फिल्म में बेबी को बेस पसंद है गाना बादशाह का ही था। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की अपकमिंग मूवी गणपत कल ही रिलीज होने वाली है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने नया प्रोमो वीडियो जारी किया है। इस प्रोमो वीडियो में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर धांसु एक्शन करते नजर आए। दिखाए गए प्रोमो वीडियो में टाइगर श्रॉफ बॉक्सिंग रिंग में जबरदस्त फॉर्म में दिखे। बता दें, फिल्म कल रिलीज हो जाएगी। विक्की कौशल अपनी आगामी फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है। छावा नाम की ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित होगी। वहीं रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में प्रमुख रोल निभाएंगी। महिला किरदार येसुबाई भोसले की भूमिका रश्मिका निभाएंगी। अब इस फिल्म को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से एक्टर अक्षय खन्ना भी जुड़ गए हैं। बता दें, एक्टर को आखिरी बार फिल्म दृश्यम 2 में देखा गया था। आयुष्मान खुराना ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। समाज के अलग अलग मुद्दों को हाईलाइट करने की उनकी फिल्में हमेशा रही हैं। हाल ही में आयुष्मान के एक फैन ने एक्टर को DM में लिखा, मेरे 12वीं बोर्ड आ रहे हैं, प्लीज कुछ चीटिंग टिप्स दे दीजिए। आयुष्मान ने भी इस मैसेज का बड़े मजेदार जवाब दिया। उन्होंने मैसेज का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और रिप्लाई में लिखा, पर्चियां इतनी शिद्दत से बनाओ कि पर्चियों में लिखा हुआ सब याद हो जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों 7वें आसमान पर है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को लेने के बाद एक्ट्रेस अपने आने वाली फिल्म गणपत के प्रमोशन में बिजी हो गई है। हाल ही में कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ दिल्ली में गणपत का प्रमोशन करते नजर आए। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने नेशनल अवार्ड को लेकर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अवार्ड मेरे नाम हुआ है। मुझे लगा था कि ये मेरा सपना जो बहुत समय बाद पूरा होगा, लेकिन 10 साल पूरे होने से पहले ही मेरा ये सपना पूरा हो चुका है।
बीते शनिवार को पाकिस्तान और भारत का मैच देखने उर्वशी रौतेला अहमदाबाद पहुंची थी। इस मैच के दौरान एक्ट्रेस के साथ एक बड़ा हादसा हुआ, उनका 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन चोरी हो गया। अब हाल ही में चोर का ईमेल एक्ट्रेस के पास आया है, मेल ग्रो ट्रेडर्स के नाम से आया है, जिसका स्क्रीनशॉट एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिस पर लिखा है, आपका फोन मेरे पास है, अगर आप इसे वापस लेना चाहती हैं, तो आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरे भाई को कैंसर है और उसका इलाज करवा दो। पठान और जवान की शानदार सफलता के बाद शाहरुख खान एक और ब्लॉकबस्टर डंकी लेकर जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इसी बीच किंग खान के एक और प्रोजेक्ट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान डायरेक्टर सुजॉय घोष की अगली फिल्म अपनी बेटी के साथ नजर आने वाले हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये आगामी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होगी, जिसकी शूटिंग नवंबर 2024 में शुरू होने वाली है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।